मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 12th का नेक्स्ट पार्ट। और ऐसी आशा करते हैं इसे बड़ा अच्छे से आप लोग समझेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने आपको छोड़ दिया था, देखिए कब आगे यहाँ से, कि यहाँ पर कहा कि लर्न इट टूमारो एंड नाउ यू सी वे आर वी हैव कम आउट। उसने कहा दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद द एलसेक, द सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टूमारो नाउ दोज फेलो आउट ऑफ आउट दे आर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योअर ऑन द लैंग्वेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर द लिटिल फ्रेंच वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू प्रिप्रोच आवर स्लेव्स विद। देखिए वर्ड मीनिंग देख लेंगे इसमें। स्कॉल का मीनिंग होता है डांटना, रिव्यूज का मतलब भी आप लोगों का देखो डांटना होता है, और बाह का मतलब होता है एक्सक्लेम एंड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और प्लेंटी ऑफ टाइम इसका मीनिंग होता है लॉट ऑफ टाइम यानी काफ़ी समय। कम आउट का मतलब होता है अपीयर्स दिखाई पड़े। पुट ऑफ का मतलब होता है हमारा पोस्टपोन करना, किसी स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। प्रिटेंड का मतलब होता है स्लो, डिसाइडफुली का मतलब होता है दिखावा करना। ए ग्रेट डील का मतलब होता है वेरी मच, बहुत अच्छा से बोलते हैं, बहुत अधिक। यहाँ पे लिखा है प्री प्रोच का मतलब होता है कंडम या धिक्कार ना या बेकार, इस तरह से कहते हैं लोग। तो इस तरह से यहाँ बातें आप लोगों को बताई गई हैं। देखिएगा जो बातें हैं इनको आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जब वो कह रहा होता है कि इट लर्न इट टुमारो, मतलब इसको मैं कल सीखूंगा, वो कहना चाह रहा था। एंड नाउ, और इसको अब यू सी, तुम देखते हो कि वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ से आ चुके हैं। तो वो कह रहा है, उसने कहा फिर इसमें आहा जो वर्ड आप लोगों का कहा है इसने, तो आहा का मतलब जो आहें भरना होता है, इस तरह से हम बात करते हैं कि वो आहें भरता है। तो आहें जो भर रहा है उस तरह की वो देख करके हम बात कह रहे हैं कि किस तरह से वो ये कह रहा है, और फिर उसने महसूस कर रहा है वो उन चीज़ों को। मैं फिर बता रहा हूँ, जब वो आह भरता है, आह भरने पर वो कह रहा है कि दैट ग्रेट ट्रबल, कितनी बड़ी परेशानी है विद एलसेक्स, जो एलसेक की कितनी बड़ी वो परेशानी है। ओके मेरे पास बहुत समय है, तो उस बात कह रहा था ट्रबल्स पुट ऑफ सी पुट ऑफ। देखो देखिए मैंने आपको बताया था पुट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर इस हम बात करते हैं पुट ऑफ को, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो स्थगित कर देना। उसने स्थगित कर दिया था द लर्निंग, सीखना टिल टुमारो, कि कल हम इसको नहीं सीखेंगे, केवल आज ही हम इसको सीखेंगे। नाउ का मतलब था दोस्त फैलो, जो उसके साथी थे आउट, जो बाहर थे देयर, वहाँ पर तो विल हैव द राइट टू से, बिल्कुल जो सही कहते हैं तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसने कहा हाउ मिस, कैसे इज इट, वो सब कैसे हो सकता है। तो यू प्रिटेंड इट, देखिए प्रिटेंडिंग प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा करना, बस तुम तो केवल दिखावा कर रहे हो। द फ्रेंच मैन, तुम तो दिखावा कर रहे हो। एंड येट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुमसे बोल सकते हो, नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो, ना तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो। तो बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम वर्स्ट नहीं हो, मतलब तुम बेकार नहीं हो। द पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम बेकार नहीं हो फिर भी। तो वी हैव द ऑल अ ग्रेट डील, के तुमने फिर भी एक बड़ी डील किया है। टू बी रिप्रोच द आवर सेल्फ विद, कि तुम इसमें अपने आप बड़े धिक्कार करने के लिए सबके पास है, पर तुम भी फिर भी इसमें बड़े अच्छे हो। तो उसने फ्रेंच ने यहाँ पर ये सब बातें कही, तब कि वी हैव द ऑल अ ग्रेट डील, कि तुमने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। टू रिप्रोच का मतलब था धिक्कारना, वो धिक्कारने के बाद, और खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है, वो उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो आगे उसने कहा देखिए, योर पेरेंट्स, कि तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनक्स एनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। एंड आई, उसने कहा आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाट आर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई
नॉट जस्ट गिवन यू आ हॉलीडे। और देखिए वोकैबुलरी देख लेंगे, एनक्सेस, एनफ का मतलब होता है वेरी मच वरीड, बहुत अधिक चिंतित होना, और प्रिफर्ड का मतलब होता है अधिक पसंद करते हुए, और ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना या दोषी होना। तो देखिए उसने कहा योर पेरेंट्स कि तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनक्सेस, कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। देखिए योर पेरेंट्स वर नॉट एनएक्स, तुम्हारे जो माता एनएक्सेस का मतलब था उत्सुक होना, तो अधिक उत्सुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट देन आउट एट द मिल सो एज टू हैव द लिटिल मनी, मोर लिटिल मनी। तो उसने लिखा, उसने कहा कि लेकिन वे तुमसे किसी फर्म पर या किसी कारखाने में काम करवाना चाहते थे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर फिर भी। तो उन्होंने कहा एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, उसने कहा फिर भी ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके, और मैं भी इस बात के लिए दोषी हूँ कि क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा। तो वो कहना चाह रहे कि आई एम नॉट ऑफ अन सेंड यू टू वाटर माई अ फ्लावर इंस्टेड की ऑफ लर्निंग योर लेसन। तो उसने यही बात कहना चाह रहे कि क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा। और फिर कह रहे हैं एंड देन और एंड देन और जब आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग एंड उसने कहा डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो उसने कहा तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी। तो उसने कहा फिनिशिंग, फिशिंग का मतलब था मछलियाँ पकड़ने के बाद का, वांटेड टू गो टू फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या जब तुम मछलियाँ पकड़ने के लिए गए तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया। तो इस बात को वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें हॉलीडे दिया था। देखिए मैं आपको, मैं यहाँ पर जो एक आपको फ्रांस है वो आपको फ्रांस दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो फ्रांस है वो देखिएगा आप लोगों को, यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग कि जो फ्रांस है यहाँ पर, ये फ्रांस की देखिए, इसके बाद जो पेरिस, यहाँ पर ऊपर ये पेरिस है और देखिए यहाँ पर फ्रांस है, कितना आप लोग जिस तरह से मैं आपके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ फ्रांस है, यहाँ लायोन है ना, यहाँ पर एक वैलेंस है, और यहाँ पर देखिएगा ये एक लिली है ना। तो इस प्रकार जो आप लोगों के ये सब दिया आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पर ये जो फ्रांस का है और ये स्केटिन मैप नॉट स्केल है, तो ये इस प्रकार आप लोगों को यहाँ दिखा रखा, बताया जा रहा है कि इस प्रकार आप लोगों का ये एक नक्शा है कि ये आप लोगों का फ्रांस कहाँ है और ये पेरिस कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इसमें दिखाई गई है इसके माध्यम से। देखिए नेक्स्ट अगला वो क्या कहते हैं, अगले में कह रहे हैं देन तब द फ्रॉम वन थिंग टू अनादर एम हैमल वेंट ऑन टू द टॉक टू द फ्रेंच द लैंग्वेजेस सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी हाउ मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट द बिकॉज वेन आ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन, आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सैड सीम्ड टू से सो इजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन द वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड एट वन स्ट्रोक। देखिए वोकैबुलरी, पहले सबसे पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। उसने कहा लॉजिकल, जो लॉजिकल का मतलब होता है रेटनल में ठीक या तर्क संगत युक्ति युक्ति युक्त, और गार्ड का मतलब होता है संरक्षण, एंड स्लेव्ड का मतलब होता है हमारा गुलाम बन गए, और होल्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मजबूत होना, एज इफ जैसे मानो कि हैड द की टू देयर प्रिजन, मतलब ऐसे कहते हैं कि गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता जानते थे, तो हैड नो अवे आउट ऑफ देयर स्लेवरी।
और अमेज का मतलब होता है सरप्राइज, अचंभित बोलते हैं उसे। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, और टॉलरेंस का मतलब होता है हमारा धैर्य, इसका भी मीनिंग है। तो एट वंस स्ट्रोक का मतलब होता है तुरंत, इसकी बात कर रहे हैं। तो उसने कहा देन तब क्या होता है, वन और फ्रॉम वन थिंग टू अनादर, यानी कि एक तब एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर, यानी कि एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर। तो एच अमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो कह रहे हैं कि अब हमें एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर चर्चा करें करते हुए एम हेमल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया। उन्होंने क्या क्या टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, तो उन्होंने बोलना शुरू किया सेइंग, वो कह रहे थे दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की संसार में ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियर है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, मोस्ट लॉजिकल है। ये भी एक कैसी है, लॉजिकल, एक तर्क तर्क वाली है कि लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड, ये हमारे में सुरक्षा भी देती है। टू अमंग अस, हम सब में ये क्या है, गार्ड है। गार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, गार्ड का मतलब संरक्षक है। इट अमंग, हम सब के लिए, एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इट बिकॉज, क्योंकि वैन पीपल, की जब लोग आर एनस्लेव्ड होंगे, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बन जाएंगे, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, फिर भी हमें अपनी भाषाओं पर, हमें अपनी भाषाओं पर क्या है, अपना कमांड करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। एज जैसे कि मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसे मानो कि जैसे वो उनकी गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता जानते थे। देखिए इसमें कहा ना हैड द की, वो लोग जानते थे कि गुलामी से, यहाँ पे लिखा देखिए ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको मीनिंग बताया था, यहाँ पे लिखा हैड द की टू देयर प्रिजन का मतलब था हैड नोन टू वे, गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता वो जानते थे। तो उसने कहा देन तब क्या होता है, ओपन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तो तभी उसने कहा तब ओपन द ग्रामर, ग्रामर बुक को खोलो, रीड अस, हम उसको पढ़ते हैं, आवर लेसन, हमारा जो लेसन है। तो आई वॉज अमेज टू सी, मैं देख करके बड़े आश्चर्यचकित था कि हाउ मिस, कैसे, वेल, अच्छे से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ सका इट उसको, ऑल ही सैड सीम्ड, और सब वो कह रहे थे, ऑल का मतलब था सबने ही सैड, उसने कहा सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा है, सो इजी टू सो इजी, कितना आसान है और कितना आसान है, सब हमें बस ऐसा नजर आ रहा था, ये सब कितना आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, उसने कहा कि मैं समझ गया कि ऑल द सैड सीम्ड कितना इजी है। तो आई थिंक, मैंने विचार किया, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने पहले कभी इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना जितना मैं आज सुन रहा था। क्योंकि मैं क्या था, पहले से कभी मैंने क्लास में ज़्यादा ध्यान से कभी किसी के लेक्चर को नहीं सुना, एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और कभी भी इतने अधिक अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा जितना कि आज किया जा रहा था, बड़े धैर्य से के साथ। तो इट सीम्ड, मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट अधिकतर, एज इफ, जैसा मानो कि द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस द ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, पुट, उसने कहा पुट इट ऑल इंटू आवर हेड्स एट अ स्ट्रोक, मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि मेरे विचार में मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना, और इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया सर ने हमें जितना वो धैर्य से समझा रहे थे। तो यह सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि जाने से पूर्व वे हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा था। जो कह रहे हैं कि वो वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहते थे, और सब कुछ ही न्यू, वो जानते थे कि बिफोर, पहले ही गोइंग टू अवे, वो जाने से पहले वो सब कुछ हमें वो ज्ञान देना चाहते थे जो अब तक उन्होंने हमें नहीं दिया था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, तो बस उसने केवल एक बात कही कि वे इस सबको हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो इन सब चीज़ उनके मस्तिष्क में साथ के साथ उतर जाएं। देखिए एक अध्यापक जब जाने वाला होता है तो आपको वो सारी चीज़ें, वो ऐसा चाहता है कि वो बच्चे को सारी चीज़ें सिखाए, जो चीज़ उसे नहीं भी आती वो चीज़ें लास्ट में उसको सिखाए। तो जब लास्ट लेसन होता है तो लास्ट लेसन में वो सारी चीज़ें वो अपनी टीचर आपको सब चीज़ें बताता है। तो इस प्रकार जो हमारे एम हेमल हैं वो सारी उस फ्रेंच को बता रहे थे। तो इस प्रकार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।